कानपुर आयरा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान श्यामनगर निवासी पुष्पलता सैनी ने शासन से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि विराना रोड दवा मार्केट में रहने वाले रोहित जायसवाल ने दुकान खरीदने को लेकर वर्ष 2018 में 15 लाख रुपए में दुकान का सौदा किया था, जिसके एवरेज में उनके द्वारा 9 लाख रुपए एडवांस में दिए थे, किंतु पैसे का इंतजाम न होने के कारण उन्होंने दुकान खरीदने से मना कर किराए पर लेने की बात की, जिसे रोहित जायसवाल ने मान लिया। उनके द्वारा लगातार वर्ष 2019 तक किराया भी दिया गया मद्दा होने के कारण जब रोहित से रुपए की मांग की गई तो उसने दुकान में ताला बंद कर दिया और पुत्र शिवम सैनी को मार पीट कर व छेड़छाड़ के झूठे मुकदमे में भी फंसा दिया। पीड़िता ने बताया कि रोहित जायसवाल काफ़ी दबंग किस्म का व्यक्ति है, जो अपने को अधिवक्ता और भाजपा नेता होने का रौब झाड़ता है, सत्ता पक्ष के हनन दिखाते हुए धमकी भी देता है कि ज़्यादा मुकदमे की पैरवी करोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। पीड़िता ने यह बात बताया कि मेरी दुकान में दवा लाखों का माल जो कि खराब हो चुका है और अन्य वस्तुएँ भी हैं। उन्होंने बताया कि वह थाना पुलिस और कमिश्नर से भी मिलकर न्याय की गुहार कर चुकी है, किंतु उन्हें कहीं भी न्याय नहीं मिला। वो कई बार रोहित के घर भी गई, जहां रोहित ने उनके साथ मारपीट और अभद्रता की। वह अपने जेठ राजेंद्र सैनी, जो कि विराना रोड दवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से कई बार बैठकर बात की, लेकिन रोहित और उसके पिता ने एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि अगर उन्हें या उनके पुत्र को न्याय नहीं मिला तो वे आत्मदाह कर लेंगी और इसके जिम्मेदार रोहित जायसवाल और उसके परिवार वाले होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। जी, दुकान का मामला है, इसमें मैंने 9 लाख रुपए रामप्रसाद जायसवाल और रोहित जायसवाल को दिए हैं और मैंने एक साल तक वहाँ पे बेटे ने मेरे वहाँ पे व्यापार किया। इसके बाद वो पैसे की डिमांड करने लगा जो मैं नहीं दे पाई, तो मेरी शॉप बंद हो गई और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरा बेटा मानसिक तौर से पीड़ित हो गया और मेरे जो कि दवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं राजेंद्र सैनी जी, वो मेरे जेठ हैं, उन्होंने काफ़ी सहयोग करने की कोशिश करी, रोहित से बातचीत किया, मगर उनसे कोई रिस्पांस नहीं मिला। रोहित ने भी उनकी बात नहीं मानी। इन सब घटनाओं की आपने पुलिस में सूचना करी थी? जी, किया था। क्या रिस्पॉन्स था पुलिस ने? पुलिस बस दोनों पार्टियों बुलाती है, वो आता नहीं सामने, और कभी आता है तो वो बोलता है कि जब भाई शॉप निकलेगी तो मैं पैसा लौटाऊंगा, अभी मेरे पास है नहीं। ये 9 लाख रुपए आपने किस लिए दिए थे? ये उन्होंने मतलब पगड़ी के तौर पे मांगे थे कि मतलब आप मुझे 15 लाख दीजिए, तो मेरे पास उस समय 15 लाख नहीं थे, मेरे पास 9 लाख थे। मेरे बेटे ने बोला कि मैं एक साल में आपको देता जाऊंगा। इसके बाद मेरा व्यापार मतलब वो डिमांड करने लगा पहले ही, जो कि मैं नहीं दे कर पाई इतनी तरह मैंने। क्या करते हैं, इनका प्रोफेशन क्या है? ये वही दवा का काम था मेरा, दवा जो कि शॉप जिनको आपने पैसा दिया, ये क्या करते हैं? ये एडवोकेट, उनका बेटा एडवोकेट है और राम प्रसाद तो कुछ नहीं करता है, वो घर में रहते हैं और बेटा ही अपने आप को नेता और ये अध्यक्ष वगैरह बताता है, जो कि मुझे ठीक से नहीं मालूम है।